हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फूड डॉक्टर। मेरा नाम है विभूति एंड आज बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग एनर्जी ड्रिंक ऑफ इंडिया, दैट इज स्टिंग। आप डेफिनेटली स्टिंग कभी ना कभी पिए होंगे, आप पीते हैं, मैं पीता हूँ, हर जनरेशन के लोग पीते हैं, लेकिन ये जो स्टिंग एनर्जी ड्रिंक है ये टेस्ट में जैसा ही लगे लेकिन हमारे हेल्थ के लिए कितना अच्छा है कितना बुरा है उसके बारे में आज बात करेंगे। सो मेरे पास में स्टिंग का रेड, स्टिंग का ब्लू, ये ब्लू ब्रांड है, ये स्टिंग का जो क्लासिकल स्टिंग पहले आता था वो स्टिंग है। सो दोनों के बारे में देखेंगे, उसका प्राइस के हिसाब से देखेंगे, इसका कितना कैलोरी है इसका ऊपर बात करेंगे, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है उसके ऊपर बात करेंगे, एट द सेम टाइम कितना हमको हमारे जो बॉडी को हेल्थ को अच्छा करता है बुरा करता है जो भी करता है उसका इफेक्ट भी उसके बारे में बात करेंगे देखेंगे, ठीक है। सो अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड आप ये आपके लिए फ्री है लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा मैटर करता है, बहुत वैल्यू रखता है। आप एक बार सब्सक्राइब करते हो ना देन मोटिवेशन मिलता है। यंग चैनल है, छोटा सा चैनल है, हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए एंड उसके साथ आइए आगे बढ़ते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बोल चुका हूँ ये एनर्जी ड्रिंक है स्टिंग। आपको था इंडिया में पहले रेडबुल था, मॉन्स्टर था और भी एक दो छोटा मोटा एनर्जी ड्रिंक था, स्पोर्ट्स ड्रिंक भी है, गैटोरेड है, लेकिन उसके साथ स्टिंग लॉन्च किया। स्टिंग जब लॉन्च किया पेप्सिको उसको मार्केटिंग करता है, एडवर्टाइज करता है, मतलब पेप्सिको का सपोर्ट है उसमें इसको। सो लेकिन ये अभी सबसे ज्यादा बिकता है, रीजन बिंग इसका प्राइस 20 रुपए का मिल जाता है एनर्जी ड्रिंक इंडिया में, 20 रुपए इंडिया के ऑल ओवर द वर्ल्ड 20 रुपए में एनर्जी ड्रिंक कहाँ मिलता है, ठीक है। टेस्ट देखो, टेस्ट नॉर्मल जैसे कोई भी एनर्जी ड्रिंक का जो टेस्ट है सेम टेस्ट है, नथिंग स्पेशल, नथिंग नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट टेस्ट है। थोड़ा सा किकबैक मिलता है, मतलब लोग को थोड़ा सा एनर्जी थोड़ा बहुत मिलता है, थोड़ा सा लेजीनेस हटता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मतलब आप पी लेते तो जैसे कि आर में दिखाता है ऐसा नहीं कि आप भागने लगते हो, ठीक है, मोर और लेस यही बात। तो अगर आप इसका इंग्रेडिएंट देखोगे ना, पीछे इंग्रेडिएंट लिखा गया है, आप मैं इसका फोटो भी लगा दूंगा, आप देख लेना एक बार पढ़ लेना। सो इसमें जो लिखा गया है इसमें अगर आप देखोगे, सो इसमें पहले तो है शुगर है, शुगर या शुगर सब्स्टिट्यूट है इसमें, सेकंड में है इसमें जो है वो कैफीन है, थर्ड में है टाउरिन है। टाउरिन क्या करता है, टाउरिन बेसिकली आपको जो बूस्ट देता है परफॉर्मेंस बूस्ट उसको वो टाउरिन देता है, एक अमीनो एसिड है वो, ये तीन नंबर में। नंबर फोर में क्या है, नंबर फोर में है बेसिकली इसका जो फूड कलर, ओके। सो ऑब्वियसली वाटर बेस रहता है तो वाटर रहता ही है। सो मोर ऑर लेस ये चार चीजें, ये जो चार चीजें ऐसा नहीं कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स है, हर एनर्जी ड्रिंक में ये चार चीजें आपको मिलता ही मिलता है एंड अदर देन दैट एक दो फ्लेवर के लिए लोग ऐड करते हैं, ठीक है। सो अगर आप देखोगे ना इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, पहले आप बात करते हैं शुगर का। शुगर जो इसमें है, शुगर है अप्रोक्सीमेटली 34.5 ग्राम, ठीक है। सो एक टेबलस्पून का जो शुगर होता है, टीस्पून शुगर होता है वो 4 ग्राम का होता है, मतलब इसमें 4 टीस्पून का शुगर है, ठीक है। सो विच इज आप मतलब बहुत ही ज्यादा है, मतलब आप इमेजिन करो, सॉरी 9 टेबलस्पून का शुगर है इसमें। सो 34 है अप्रोक्सीमेटली 9 टेबलस्पून, मतलब आप चाय में शायद एक बार या दो बार टेबलस्पून का शुगर खाते हो, इसमें 9 टेबलस्पून है। अगर आप सुबह एक पीते हो, शाम को एक पीते हो, इसका मतलब 18 टेबलस्पून का शुगर आप पीते हो, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली आप सोच के जाओ 100 ग्राम का, मतलब इतना का शुगर आप खाते हो। देखो शुगर बहुत लोग खाते हैं, आप बहुत मिठाई में खाते हो, बिस्कुट में खाते हो, बाकी आइटम्स में खाते हो, मतलब खाना तो नहीं चाहिए शुगर, लेकिन लोग खाते हैं, लोग का इंडियन का जो डाइट में ना ये मतलब मिल गया है, इसको रिमूव करना बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर भी कहने का मतलब शुगर कभी आपको कोई आपका मतलब यू नो इट डज नॉट हेल्प यू इन एनी वे। आप शुगर अगर कंटिन्यूसली खाओगे, हाई अमाउंट ऑफ शुगर खाओगे, कहना मतलब है कि आप दिन में एक स्टिंग नहीं पीते हो, आप कोक भी पीते हो, आप कोई दूसरा चीज भी खाते हो, तो ऑब्वियसली अगर शुगर का जो अमाउंट है ज्यादा हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको डायबिटीज होना लगेगा, डेफिनेटली टाइप 2 डायबिटीज। देन उसके बाद आपका टूथ डीके होगा, मतलब दांत मतलब आपका खराब हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, ऑब्वियसली हार्ट रेट ज्यादा रहेगा, बाकी ओबेसिटी आएगा, मतलब आप मोटापे बढ़ जाएगा। सो ये मोर ऑर लेस ये सब बीमारी आने लगेगा। सो इसलिए जो इसका जो शुगर है ना बहुत बड़ा कंसर्न है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसका जो कैफीन इसमें 72 मिलीग्राम। देखो एक 72 मिलीग्राम जो होता है ना, आपको बोलेगा यार ये ज्यादा है या कम है, हम कैसे पता लगा। मैं एक आपको कॉन्टेस्ट देता हूँ, अगर एक बार आप कॉफी पीते हो, एक फुल कप कॉफी पीते हो ना, उसमें 94-95 अप्रोक्सीमेटली उतना आपको कैफीन मिलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है लेकिन अप्रोक्सीमेटली उतना ही रहता है। तो इसका मतलब एक बार इसको पीते हो ना, एक कप कॉफी से कम आप कैफीन लेते हो, लेकिन दिन में आप 2-3 बार कॉफी ले लेते हो, ठीक है। तो इसमें सेम सिचुएशन है, तो एक दो बार पीते हो ना तो चलेगा, लेकिन जैसे कि लेट्स से कि एवरी जो एडल्ट है, जो ग्रोन अप एडल्ट है, उनके उनको 400
मिलीग्राम का कैफीन अलाउड है, आप उतना पी सकते हो, कोई आपको इश्यू नहीं होगा, मतलब दैट इज अंडर द कंट्रोल राइट। तो इसमें 72 मिलीग्राम है, अगर आप चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, फिर इसको पीते हो, फिर और कोई एनर्जी ड्रिंक पीते हो, तो देन इट विल गो बियॉन्ड दैट लाइन। तो एक बार दो बार में कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ज्यादा ज्यादा आपको रिपीट करते रहोगे तो डेफिनेटली इट विल लीड टू सम सीवियर हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा? आपका हार्ट ओवर इश्यू रहेगा, आपका एंग्जायटी बढ़ेगा, जिटरनेस बढ़ेगा, और ऐसे टाइम होगा कि ना एक टाइम के बाद आपको एनर्जी ड्रिंक फील नहीं होगा, आपको फील होगा कि यार ये जैसे कोई नॉर्मल ड्रिंक है, ठीक है। सो इसलिए कैफीन मोर इज बैड ऑब्वियसली, तो इसलिए आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर एक बार दो बार आप ट्राई करते हो तो दैट्स फाइन, बट नॉट रेगुलरली। ओके, ये हो गया आपका दो मेन इंग्रेडिएंट। तीसरा में आते हैं, दैट इज टाउरिन। टाउरिन जो होता है, मैंने आपको बोल दूंगा, ये परफॉर्मेंस बूस्टर है, परफॉर्मेंस एनहांसर है। तो इसका ऊपर ज्यादा स्टडी हुआ नहीं है अभी तक, तो जब तक ज्यादा आप स्टडी हुआ नहीं है उसका ऊपर हमको ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या है कि इसको सब एनर्जेटिक यूज, मतलब सब एनर्जेटिक में मिलाया जाता है, एंड ये आपको एक एथलेटिक परफॉर्मेंस देता है, एक बूस्ट देता है, एक अमीनो एसिड है। सो काइंड ऑफ लाइक, देखो जो चीज अनस्टडीड है उसको ज्यादा नहीं ट्राई करना चाहिए, बट स्टिल इट्स ओके, काइंड ऑफ ओके। सो इट इज सेफ टू कंज्यूम। देखो ये FDA अप्रूव्ड है, ये FSSAI अप्रूव्ड है, सो दैट इज फाइन राइट। तो आ जाते हैं नंबर 4, जो कि फूड कलर है। इसमें है 133, इसमें है 129 राइट। इस पीछे भी लिखा गया है, अगर आप देखोगे ना कलर का जो कोड है इसमें लिखा गया है, 129 है आलूरा रेड एंड 133 है ब्रिलियंट ब्लू। ये कलर है, FDA अप्रूव्ड है, FSSAI अप्रूव्ड है। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो मतलब जो एजेंसी से इसको अप्रूव करते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, देर इज नो हार्म इन दैट। लेकिन ऑब्वियसली इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि आप कलर क्यों पियोगे, अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव है, अगर आपके पास बेटर ऑल्टरनेटिव है, ड्रिंक्स है, तो व्हाई वुड यू ड्रिंक एनी कलर ड्रिंक। ओके, सो ये थी, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, अगर यू नो इसको कौन कंज्यूम करते हैं, आप कंज्यूम करते हो, मैं कंज्यूम करता हूँ, कौन कंज्यूम करता है? देखो मेरा एनर्जी ड्रिंक जो होता है ना, जनरली स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन टू लेके अप टू 34-35, ये लोग या अप टू 40, ये लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं। स्पेशली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, यंग एथलेट्स या यंग प्रोफेशनल्स, लेबर, लेमैन, ये लोग उसको बहुत कंज्यूम करते हैं कूल दिखने के लिए। एक टाइम था मैं भी कूल दिखने के लिए कोक पिया करता था हर दिन जब ड्राइव करता था, लेकिन यू नो दैट इज नॉट ए गुड थिंग टू डू। ऑब्वियसली यू नो मैं ऑब्वियसली कुछ दिन के बाद चेंज कर दिया था, बट इट इज लाइक दैट ओनली। सो ये चीज यू नीड टू अवॉइड दिस थिंग। ओके, सो बेटर आज को ग्लास यू अवॉइड, दैट इज बेटर फॉर यू। सो ये है, देन अगर आप बात करेंगे इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, अब क्या इसको नहीं पियो तो क्या पी सकते हो? सो बेसिकली फर्स्ट थिंग इज की देखो, देयर आर टू काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट। फर्स्ट सब्स्टिट्यूट इज की यू नो, अगर आप इसको नहीं पियोगे एनी अनदर ड्रिंक पीना चाहोगे, या इसको आप पीते हो ना आपको एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए। सो अगर इसको आप नहीं पियोगे क्या एनर्जी आप क्या ऐसे कर पाओगे, सो देट की आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा। सो फर्स्ट थिंग जो आप कर सकते हो, देन दैट इज यू नो, अगर आप एनर्जी ड्रिंक सब्स्टिट्यूट करना चाहोगे, सो यू कैन गो फॉर लाइक ऐसे कि स्पोर्ट्स ड्रिंक, जैसे मैंने आपको बोल चुका हूँ गैटोरेड या कोकोनट ड्रिंक, कोकोनट का जो कोकोनट का जो वाटर होता है उसका पी सकते हो, चिया सीड्स वाटर आप पी सकते हो, देन यू नो प्रोटीन शेक आप यूज कर सकते हो, स्पार्कलिंग वाटर आप ट्राई कर सकते हो, देन यू नो लेमन टी, स्पोर्ट्स ड्रिंक, ये सब चीज आप ट्राई कर सकते हो सब्स्टिट्यूट के लिए, ठीक है, एनर्जी ड्रिंक को अवॉइड करके, स्पेशल स्टिंग को अवॉइड करके। सेकंड, अगर आप एनर्जी लेवल मेंटेन करना चाहते हो, देन व्हाट यू कैन डू, वन थिंग यू कैन डू, स्टे हाइड्रेटेड, अच्छा बैलेंस डाइट खाइए, बैलेंस स्लीप लीजिए, एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए, एट द सेम टाइम थोड़ा सा यू नो कैफीन को लिमिट में रखिए। अगर आप इतना लिमिट में रखते हो ना, डेफिनेटली यू विल मेंटेन ए गुड एनर्जी लेवल थ्रू आउट द डे, कोई आपको इशू नहीं होगा। सो अब कंक्लूजन में आ जाते हैं, तो एनर्जी इसको जो स्टिंग है ये आपके लिए कितना खतरनाक है, कि आपको इसको पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए। तो द आंसर इज, स्ट्रेट आंसर इज कि अगर आप एक बार ट्राई करना चाहते हो, दो बार ट्राई करना चाहते हो, या आप लेट से कि सम टाइम्स आप ट्राई करना चाहते हो, आप ट्राई कर सकते हो, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा, यू विल एंजॉय बिट ऑफ कैफीन, दैट्स फाइन राइट। बट आप उसको रेगुलर नहीं पी सकते हो, रेगुलर नहीं खा सकते हो, या आपको सब्स्टिट्यूट इससे नहीं खा सकते हो, ठीक है, दैट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये चीज क्लियर हो गया, एंड अगर आप अवॉइड कर सकते हो, बेटर यू अवॉइड इट, दैट इज स्ट्रेट एंड सिंपल राइट। सो विद दैट वी कंक्लूड आवर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम फिर मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।